मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। नमस्कार। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के रवैये से बेहद नाराज हैं। उन्होंने सदन में विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा कि विपक्ष रोज रोज मेरा अपमान कर रहा है, मैं खुद को यहाँ सक्षम नहीं पा रहा हूँ, सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता भी मुझ पर सवाल उठाते हैं। वो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से खासे नाराज दिखे। जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। वहीं बीजेपी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का रवैया निंदनीय है। दरअसल विनेश फोगाट के मुद्दे पर राज्यसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जोर जोर से बोलने लगे तो सभापति ने उन्हें वार्निंग दी, लेकिन डेरेक नहीं माने और फिर जोर से बोलने लगे। इसके बाद विपक्ष के सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि सदन की गरिमा को कम मत करिए, अमर्यादित आचरण मत कीजिए, कुछ सांसद गलत टिप्पणी करते हैं, मैंने आज जो देखा, जिस तरह का व्यवहार किया गया, मैं कुछ समय के लिए अपने आप को यहाँ बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है, ये हर सीमा को लांघित करने वाला आचरण है। मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूँ, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं।